नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 8 में और मेरे साथ खड़े हैं सेक्टर 8 RWA के प्रेसिडेंट अमर सिंह जी, और यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या समस्याएं हैं यहाँ? हमारी सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। जो सरकार कहती है कि सफाई हो रही है, पर बिल्कुल नहीं हो रही है। गंदगी है चारों तरफ, सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। पानी की समस्या हमारे यहाँ, हमने एक ट्यूबवेल अप्रूव कराया है, वो ट्यूबवेल आज एक महीना हो गया, वो ट्यूबवेल नहीं लग पा रहा है। ऐसे की ऐसी फाइल पड़ी हुई है। और ट्यूबवेल की, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ। पानी, सफाई और सीवर बिल्कुल बंद पड़े हैं, भरे पड़े हैं, बोल बोल के थक जाते हैं, कोई नहीं खोलता। तीन चीजें सबसे जरूरी चाहिए होती हैं, बिजली, पानी और सड़क। हाँ। जिसमें सर पानी और हाँ जी बिजली। बिजली का थोड़ा सा सुधार हुआ है, इतना ज्यादा नहीं पर सुधार हुआ है। हमने जो जितनी तारें कंडक्टर लगे हुए हैं और खंभे, इसको चेंज करने के लिए फाइल अप्रूव करा के बिजली बोर्ड में दे रखी है, पर बिजली बोर्ड ने 4 साल से कुछ काम नहीं करा, मना कर दिया कि हमारे पास पैसा ही नहीं है जो हम ये लगवाएं। फंड्स नहीं है। और ओपन फ्यूज लगे हुए हैं, जिससे कभी भी लगे हुए हैं, जब पिलर के ऊपर ओपन फ्यूज लगे हुए हैं जो कई सालों से है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, बच्चा पकड़ सकता है उसको, इसलिए वो अंदर साइड होने चाहिए और कवर्ड होने चाहिए। और कंप्लेंट की हुई है SDO पे, उसको कई बार एक्सीजन की हुई है, पर वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। जितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, ट्रांसफार्मर के नीचे जो मेन फ्यूज लगाते हैं वो इतनी हाइट पे लगा रखे हैं कि 4 साल का बच्चा भी उस पे हाथ लगा सकता है। और क्योंकि यहाँ स्कूल है, स्कूल पे 1100 बच्चे आते हैं और वो बच्चे सब छोटे हैं, कोई भी बच्चा कभी भी उसको पकड़ सकता है और वो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम लोग इसके लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं, अब थक चुके हैं, हमने अब बोलना बंद कर दिया उनको, क्योंकि अब हर आदमी का तय इलेक्शन के बाद ही होगा जो कुछ होगा, इससे पहले नहीं हुआ तो अभी क्या होगा। बदलाव के लिए इसीलिए लोग देख रहे हैं, बदलाव चाहते हैं लोग। अगला आदमी कुछ अच्छा आ जाए, अभी जो करंट आदमी है वो उससे भी अच्छा हुआ है, इसलिए हम उससे क्या कह सकते हैं। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, और कोई समस्या? बस मरी तो ये मेन समस्या, बिजली, पानी, सड़क और सीवर। अगर ये दुरुस्त हो जाए तो हमें और तो कुछ चाहिए ही नहीं। हम टैक्स देते हैं, जो टैक्स चिट्ठी आती है पहले जमा कराते हैं, हर एक चीज जमा कराते हैं, पर हमें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिजली को छोड़ के बिजली आ रही है, लेकिन जो फ्यूज बॉक्स ओपन फ्यूज है, या जगह जगह एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे तार टूट जाती है, तार लोड नहीं ले पाती है, बहुत पुरानी है, 1980 से लगी हुई है। हाँ। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, यहाँ लोग परेशान हैं, गंदगी से परेशान हैं, सीवरेज के ओवरफ्लो से परेशान हैं, ओपन फ्यूज बॉक्स हैं जो किसी न किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं, और इनका यही मानना है कि इसको दुरुस्त किया जाए। किसी भी छोटे बच्चे के कह रहे हैं हाइट जो है उसकी फ्यूज बॉक्स की, वो भी इतनी है कि कोई छोटे से छोटा बच्चा भी उसे पकड़ सकता। हाँ जी, हाँ जी, छोटे से छोटा बच्चा भी। कोई बड़ा हादसा होने से पहले बिजली विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।